तो ये आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, लेकिन इस बीच बात करते हैं एक तीसरे पक्ष की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने पंजाब को लेकर बड़ा बयान दिया है। पंजाब के सीएम उम्मीदवारी पर केजरीवाल ने कहा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे। आपको बता दें, उन्हें ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि कल मनीष सिसोदिया का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप उन्हें पंजाब के सीएम का ही कैंडिडेट समझें। और इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में भी लगातार उथल पुथल चल रही थी, बड़े बड़े बयान सामने आ रहे थे और किरकिरी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की हो रही थी इस बात को लेकर कि वो दिल्ली छोड़कर पंजाब को एम कर रहे हैं, पंजाब की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली के लिए जो वादे उन्होंने किए थे उनका क्या? तो इस पर केजरीवाल ने यहां पर अब बयान दिया है, सफाई दी है कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा और दिल्ली को छोड़कर नहीं जाऊंगा।